जब से डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन का नाम उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किया, तभी से राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो डेमोक्रेट सरकार की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कितनी अलग होगी। अमेरिका में विदेश नीति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात होती है तो उत्तर कोरिया से अमेरिका के रिश्तों का जिक्र जरूर होता है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के उत्तर कोरिया से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। एक समय वो भी आया जब ट्रंप ने उत्तर कोरिया को धमकाया कि अगर सुधार नहीं किया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन कुछ ही सप्ताह में नाटकीय बदलाव हुआ और ट्रंप उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मिले। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच फिलहाल सब सामान्य है। ट्रंप प्रशासन ने भी इसे अपनी कूटनीति जीत बताया और कहा कि उत्तर कोरिया से संबंधों में ऐसा सुधार उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में उत्तर कोरिया से अमेरिका के संबंधों में सुधार को एक बड़ी उपलब्धि बताया था। ऐसा लगता है कि जो बाइडेन उत्तर कोरिया और किम जोंग उन को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, बराक ओबामा से जब मेरी बातचीत हुई थी, जो एक लंबी बातचीत थी, तब उन्होंने कहा था कि उत्तर कोरिया हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है और ऐसा हो सकता है कि हमें उनसे युद्ध करना पड़े और अगर ये युद्ध हुआ तो वो एक परमाणु युद्ध होगा। मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद उत्तर कोरिया से हमारे संबंध बेहतर हुए हैं और युद्ध की कोई संभावना नहीं रह गई है। ट्रंप ने ये भी कहा था कि किम जोंग उन के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। वो थोड़े अलग किस्म के इंसान हैं, पर अच्छे हैं और शायद वो भी मेरे बारे में यही सोचते हैं। पर कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बाइडेन अमेरिका की ओर से बराक ओबामा की रणनीतिक धैर्य वाली नीति को भी लागू कर सकते हैं, जिसे कुछ लोग रणनीतिक अज्ञानता या रणनीतिक कोमा के रूप में समझते हैं। उनके एक सलाहकार ने कहा कि जो बाइडेन किम जोंग उन से मिलने के इच्छुक तभी होंगे अगर वे डेमोक्रेटिक पार्टी के परमाणु कार्यक्रम बंद करवा देने के उद्देश्यों का पालन करेंगे, लेकिन जो बाइडेन उत्तर कोरिया और किम जोंग उन से अपने रिश्तों को उस तरह आगे नहीं बढ़ाएंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। सेंटर फॉर नेशनल इंटरेस्ट में कोरियन स्टडीज के डायरेक्टर हैरी जे काजियानिस ने एक समाचार नेटवर्क से बातचीत में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से हम सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनके रिश्तों की केमिस्ट्री को खो देंगे। हालांकि ये बात ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, पर ट्रंप और किम जोंग उन के दोस्ताना रिश्तों से कुछ फायदे भी थे। साल 2019 में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने जो बाइडेन के किम जोंग उन पर आरोप लगाने की निंदा की थी और उन्हें अपशब्द भी कहे थे। हालांकि अब उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जाने की संभावना बहुत कम है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर उत्तर कोरिया ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।